नमस्कार, हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चल रहा है मिशन काउंसलिंग, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं। बीएचयू का बहुत ही फेमस कोर्स है, जिसमें इस बार बच्चों का इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही होने वाला है, और उस कोर्स का नाम है बी वॉक। एक प्रोफेशनल कोर्स है, और इस वीडियो में हम लोग इस कोर्स के ए टू जेड पॉइंट्स को समझेंगे। इवन आपके जो कट ऑफ है, जो इस बार आपका सिलेक्शन मार्क्स है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये चल रहा है हम लोग का टारगेट 100K, यानी बीएचयू पाठशाला को 100K कंप्लीट करना है। ड्यूरिंग द काउंसलिंग हम लोग आपको 100 वीडियोस देंगे, और 100 वीडियोस में आपको 100K ले जाना है। सो प्लीज, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि बीएचयू पाठशाला को सपोर्ट करें। और इस वीडियो को देखने वाला, ऑनेस्टली अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत छोड़ना, और अपने स्टेटस पे लगाए बिना मत छोड़ना। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर 100 की आपको लगता है कि इस चैनल को ले जाना चाहिए, लग रहा है कि हाँ इस चैनल के पे आपको जो वीडियोज मिल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एनालाइज्ड है, ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है, और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ही सपोर्ट से चैनल 100 के जा सकता है, अदरवाइज ये नहीं जा पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि देखो, बहुत अच्छी डिटेलिंग है, एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ये कोर्स कहाँ कहाँ रन करता है, लास्ट ईयर के क्या कट ऑफ रहे हैं, और इस बार क्या होने वाला है। तो आपको इतनी अच्छी बेहतरीन एनालिसिस मिलने वाली है कि आप खुद सोचो कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो प्लीज एक बार जरूर सोचें, और आपको लगे थोड़ा भी अगर एक ट्यूनिंग माइंड में हो कि हाँ अच्छा चैनल है, सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखो, ये है सीयूटी के अंतर्गत आ रहा है बीएचयू का ये कोर्स, जिसका नाम है बी वॉक, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज है। और ये बीएचयू में दो जगह चलता है, एक मेन कैंपस में और एक आरजीएससी में, जो कि इसका एक पार्ट है, जो कि मिर्जापुर में है। जो कट ऑफ एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं, ये एस्टिमेटेड है, यानी ये ऑफिशियल नहीं है। ये एक एनालिसिस है जिससे आप कम से कम सुकून से घर पे बैठ पाओगे कि हाँ मेरा इतना मार्क्स है तो मुझे इस बार बीएचयू में सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग सीट्स के बारे में भी बात करेंगे, हम लोग फीस के बारे में भी बात करेंगे, और फाइनली आपके कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आओ सेकंड पॉइंट पर जाते हैं। ये टोटल 6 स्ट्रीम्स इसके हैं, जो कि आरजीएससी में है और मेन कैंपस में है। सभी डिफरेंट स्ट्रीम्स भी हो सकते हैं, सेम स्ट्रीम्स भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, ये है, ये एफएमसी का है, यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जो कि 8 फैकल्टी से रन करता है। इसमें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ये रन करता है, ठीक है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट रन करता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेलिंग यहां पर रन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यहां पर रन करता है, एग्री बिजनेस जो है ये यहां रन करता है, टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप इसमें से किस स्ट्रीम में जाने वाले हो, क्योंकि हर का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लगभग ज्यादा में तो जीटी और लैंग्वेज है, लेकिन कुछ में आपके डोमेन, जैसे मान लो इसमें कोई एक हम लोग ले लेते हैं एग्री बिजनेस वाला। देखो एग्री बिजनेस में देखो सेक्शन 2 भी यहां पे है, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, यानी यहां पे डोमेन चाहिए। लेकिन अगर मैं ये वाला ले लूं कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहां पे देखो बस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 चाहिए, सेक्शन 3 यहां पे नहीं चाहिए। यानी सेक्शन 2 यानी समझ लो यहां पे साइंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल, अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री, यहां पे जीटी की रिक्वायरमेंट देखो नहीं है। ठीक है, इसमें देखो जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग अगर किसी में और देखें, जैसे देखो मान लो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, ठीक है, इसमें देखो सेक्शन ए चाहिए और आपको सेक्शन 3 यानी जीटी चाहिए, लेकिन डोमेन नहीं चाहिए। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हल्की अपनी अलग अलग है, तो हम लोग इसको समझेंगे। आरजीएससी में भी ये रन करता है, आप देख सकते हो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। देखो ऑफिस मैनेजमेंट मेन कैंपस में नहीं है, ये आपको आरजीएससी, मान लो किसी बच्चे को अगर आपको यहां पे ऑफिस मैनेजमेंट करना है तो वो मेन कैंपस में एडमिशन लेगा भी तो कोई मतलब नहीं, वहां चलता ही नहीं है तो लेने का मतलब नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको आरजीएससी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे और भी हैं, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट है, और लास्ट में आपका है अपीरल डिजाइन। तो ये टोटल हो गए आरजीएससी और एफएमसी के टोटल स्ट्रीम वाइज बीवॉक के कोर्स। लास्ट ईयर 2021 का जो कट ऑफ है, ध्यान देना, 2022 से बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि 2021 में ये कोर्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था एफएमसी में, और इसके पहले बस आरजीएससी में चलता था। जाहिर सी बात है इसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत कम थी, लोगों को पता नहीं था कि एफएमसी में कुछ इस तरीके का कोई प्रोफेशनल कोर्स रन करने जा रहा है। वो बच्चे ही इस कोर्स का फॉर्म डाल पाए थे जो यूट्यूब से जुड़े हुए थे या किसी स्टडी प्लेटफॉर्म से, जो उनको बताया पर्सनली कि भाई आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो, ऐसा करो वाला फॉर्म डाल दो, ये कोर्स बहुत अच्छा है, इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मेरे यहां जो बच्चे उसमें आर्ट्स की तैयारी करते थे, उन बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था, और सच बताऊं तो वही बच्चे टॉप करके आज सेलेक्ट भी हुए। आज चैनल पे भी कुछ ऐसे ऐसे प्रणव सर हैं, वो आर्ट्स की तैयारी करते थे और उनके मार्क्स इसमें आए, क्योंकि सिलेबस लगभग इन लोग का सेम था। अगर डोमेन को हटा दें, बस हम लोग जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को देखें, तो वही चीज जनरलाइज्ड क्वेश्चंस इनके लिए थे।
तो बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस बार अगर हम लोग 2022 का कटआप देखें तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ज्यादा गैप हो चुका है। 2021 में कटआप अगर यहां है तो 2022 में कटआप यहां जाने वाला है। इसी चीज को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। 2021 में जो टोटल क्वेश्चंस थे 150 थे, 120 जनरल क्वेश्चंस के थे और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के ऑप्शनल थे, इंग्लिश हिंदी के। टोटल मार्क्स 600, इस क्वेश्चंस करी 4 मार्क्स। टोटल जो उसमें के सेफ जोन थे वो थे 250 प्लस, यानी जो भी लगभग जनरल कैटेगरी के बच्चा 250 के आसपास पाया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, उस समय एक 62 रैंक वाला बच्चा पाया था लगभग 262 के आसपास 62 ए आई आर। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार 262 पे कोई रैंक लगने वाला नहीं है, इसी चीज को मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम लोग जो 2022 का कट ऑफ एनालिसिस है उसके मेथोडोलॉजी को समझते हैं कि वो किस तरीके से फॉर्मेट हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार रखे गए हैं वो टोटल लगभग 100 हैं। ध्यान देना, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम के चॉइसेस अलग हैं। अगर आप लोग कोई पार्टिकुलर स्ट्रीम की बात कर रहे हो तो उसमें अपना डोमेन का क्वेश्चन ऐड कर लेना। मैं जनरलाइज बता रहा हूँ तो 100 क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज और जीटी वाले बच्चों को बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन। मार्क्स की बात करें टोटल तो ये इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। ओके, देखो यहाँ मैंने इसको समझाया भी है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए फार्मूला हो, कुछ लोग के लिए लैंग्वेज और डोमेन और जीटी तीनों मिला के रिक्वायर्ड सेक्शन बनेंगे, कुछ लोग के लिए ओनली लैंग्वेज और जीटी से आपका रिक्वायर्ड सेक्शन यानी आपका रिक्वायर्ड मार्क्स बन जाएगा। ध्यान देना, तो आप लोग जो डोमेन के बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे, मैं आपको बताऊंगा, खुद आप अपना बना सकोगे कि आपका कितना सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा। बीएचयू क्राइटेरिया की जो स्पेशल चीजें हैं वो ध्यान देना, इसने अपने ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस में बीएचयू ऑनलाइन पे जाकर चेक करना, उसमें बोला है कि लैंग्वेज का 50% ही वेटेज लिया जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा पाता है सपोज की 140 मार्क्स 200 में, तो उसका जो 140 मार्क्स है उसका 50% ही काउंट होगा, ध्यान देना। ठीक है, यानी कितना 70। उसके बाद डोमेन, जैसा मैंने बताया कि 100% उसको काउंट किया जाएगा, और जीटी वो है 100% काउंट किया जाएगा। ध्यान आया, इस चीज को समझ गए। अब हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप पे, वो है फॉर कॉमन स्ट्रीम। ये ध्यान देना, कॉमन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। देखो यार, मैं सच बताऊं ना, मैं इसको चाहता तो हल्के में बना सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे आए और आराम से खड़े हुए और अब बोल दिए हाँ एक काम कर लो और इतना आएगा और हाँ जाओ जाओ सेलेक्ट हो गया। ये मैं ये वाला वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। ये मुझे बहुत पैशनेटेड काम, मुझे मतलब बहुत पैशनेटेड हूँ इन सब चीज़ों के लिए। रिसर्च करने में बड़ा मजा आता है मुझे, और एक्चुअली मैं बीएचयू में इसी की स्टडी भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये इतना ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें समझा के बताऊंगा ना तो आप एक्चुअली समझोगे किस बेसिस पे बातें की जा रही हैं। हवा में नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस नहीं तो मैं ये वीडियो आराम से एक मिनट बना के पीछे हट जाता मैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना मेहनत इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं अथेंटिसिटी के साथ जाए, इंफॉर्मेशन रहे एक्चुअली, बस ऐसी बकवास करने कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए बोल रहा हूं ना, प्लीज 100 के लिए सपोर्ट कर दो, बीएचयू पाठशाला को प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी जब मोटिवेशन मिलता है आप सपोर्ट करते हो तो और अच्छा काम करने का मन करता है, ठीक है। देखो यहां पे जो जीटी है वो 60 क्वेश्चंस, यानी इनटू 5 ईच क्वेश्चंस 5 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स, लेकिन यहां 50% वेटेज हो जाएगा। और हम लोग इस जनरलाइज अगर सेक्शंस की बात करें तो ये तो होना चाहिए 500, लेकिन बीएचयू के लिए कितना कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 400, ठीक है। ये 400 ही काउंट होगा बीएचयू के लिए, अब समझ गए आप लोग, क्योंकि लैंग्वेज ये लोग कितना बोल रहे हैं 50%। अगर कोई लैंग्वेज में लड़का पूरा में पूरा पा जाता है, 200 में 200 पा जाता है, 100% परसेंटाइल है, तो ऐसे में उसका 50% डिस्काउंट हो जाएगा और वो 100 नंबर मार्क्स ऐड हो जाएगा, 300 प्लस 100 यानी 400। अब हम लोग आते हैं फाइनली आपके कट ऑफ एनालिसिस में, जिसमें आपको बेसब्री से इंतजार है। सपोज कि एक लड़का पाता है 215 मार्क्स, कितना पाता है 215, ये नया वाला लड़का है, यानी ये पिछला साल का लड़का नहीं है, 215 पाता है। और पाता कैसे है, जीटी और 50% लैंग्वेज को मिला के पाता है, ठीक है। अब ये लड़का 215 जो है, क्या इसकी यहाँ पे पूरी एक सिलेक्शन का एक स्टेटस है, इसको आप समझो। अब जल्दी से देखो अपने एडमिट, अब उसमें अपने रिजल्ट में देखो 215 हो रहा है कि नहीं, पहले देख लो देख लो देख लो देख लो, आगे जो कहानी बताऊंगा ना आप तुरंत यहीं पे जज करोगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। 215 एक लड़का पाता है जीटी और 50% लैंग्वेज के मार्क्स से। जीटी यानी सपोज कि वो लड़का पाया 150, जीटी हो गया 150, और लैंग्वेज में वो जितना भी पाया उसका आधा कर दो। सपोज कोई लड़का 100 पाया है तो 50 नंबर जोड़ना अपना, ठीक है, हो गया, सब जोड़ लो, पहले सब जोड़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। एक लड़का पाया 215, जोड़ो जोड़ो 215, देखो लड़का कौन है, 215 आप हो, जल्द से देखो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। आ गया वो, आप पूरी कहानी समझने का एक बड़ा ही अच्छा सा स्टोरी। 150 पाया एक लड़का, अब मतलब 150 से ज्यादा भी पा सकता है, प्लस
160 पाया था लैंग्वेज में बाय 2, यानी कितना 80, कितना हो जाएगा 80 प्लस ये कितना है 50, कितना हो गया ये 230, यानी जनरल के लिए चाहिए कितना 230। इस चीज को समझ गया कि नहीं, पहले 150 वाला लड़का जो है ये जरूरी नहीं है कि जीटी में 150 ही पाए, ये जीटी में 200 भी पा सकता है क्योंकि उसके तो 300 टोटल मार्क्स हैं। सपोज कि यहां पे पा जाता है 200, अब इसको लैंग्वेज में टोटल कितना चाहिए, लैंग्वेज में चाहिए सेलेक्ट होने के लिए 30 मार्क्स, लेकिन ये 30 मार्क्स जो है वो डबल होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 60 क्योंकि हाफ वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो 60 नंबर होना चाहिए लैंग्वेज में अगर वो पाया है जीटी में 200। अगर वो जीटी में पाता है 100, क्या पाया वो 100 पाया, सपोज वो जीटी में पाया 100 लेकिन अब उसे लैंग्वेज में चाहिए कितना 230, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप, क्योंकि 200 भी पाओगे अगर लैंग्वेज में पूरा तो भी ये कितना काउंट होगा 100 ही काउंट होगा, यानी आप पहुंचे कितना 200 ही पहुंचे। तो ऐसा है कि आपको किसी भी कीमत पे जीटी में कम से कम 130 तो बनाना ही पड़ेगा, समझ गए मेरी बात, यानी जीटी में कम से कम आपको 130 तो बनाना ही पड़ेगा, बाकी पूरी कहानी आपके लैंग्वेज सेक्शन पे है। अब एक कहानी और सुन लो, कोई लड़का बस जीटी सेलेक्ट हो सकता है, हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज को क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है, 50% रखा गया है, तो कोई लड़का अगर जीटी में पूरा मार्क्स पा जाता है तो भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब ओबीसी को देखें तो 220 काउंट कर लो, 220 कैसे भी करके, चाहे जीटी चाहे लैंग्वेज मिला के आप 200 हो कि नहीं, ठीक है, उसी तरीके से एसटी एससी के लिए 200। अब एक लास्ट में कहानी सुनो मेरी बात, आगे है क्या, अब आप लोग की कहानी नहीं है, सुनो। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं वो मैं बताना चाह रहा हूं 2 साल के एक्सपीरियंस बेसिस पे, यानी ये बात जो लास्ट में बोलूंगा ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं बीएचयू के 2-3 सालों के काउंसलिंग के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के दरमियान सीखा हूं। वो क्या है कि ये जो आपके लगभग आए हैं 230, ये मैंने बताया है एक हाईएस्ट वैल्यू, मेरी बात समझ रहे हो, यानी ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें अगर 20 मार्क्स कम कर दो और 20 मार्क्स ज्यादा कर दो तो इट मींस कि आप एक ऐसे टाइम, एक ऐसे मार्क्स एरा में हो जो आपको सेफ्टी देता है, यानी आपके सिलेक्शन को कंफर्म करता है। तो फाइनली आप अपना आप आराम से वो देख लो आंसर की वाला जो आपका है या जो भी आपकी आए हैं रिजल्ट आए हुए हैं उसमें आप देखो कि फाइनली जीटी और लैंग्वेज मिलाने के बाद आप लोग का क्या प्रेजेंट टाइम स्टेटस है, कमेंट्स करो, फाइनली उस कमेंट बेसिस पे हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन का क्या एक स्टेटस है। तो होपफुली आपको वीडियो बहुत इंजॉयफुल लगा होगा और आप इस चीज़ को जज कर पाए होगे कि हाँ आपका सिलेक्शन होने जा रहा है नहीं होने जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज बीएचयू पाठशाला के हर एक वीडियोस को देखें, कमिंग अभी वीडियोस हमारे आर्ट्स, क्योंकि अब सबका जो कट ऑफ है ना फिर से एनालाइज करने जा रहा हूं। एक बार लास्ट में प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप भारत के किसी भी छोर से आते हो अपना प्यार बराबर रखें, और हम बनारस से हैं और काशी विश्वनाथ की ये धरती है, तो आपको हमेशा एक बहुत ही मोरल फुल नॉलेज दूंगा मैं, ठीक है। तो 100K में सपोर्ट करें, अच्छा लगेगा ना, आप मेरे 100K परिवार का हिस्सा, अगर कोई चैनल 2 महीने के अंदर 100K, वो क्या सरप्राइजिंग है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हर महादेव।